नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड भारत में आपके साथ दीदी शर्मा और मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 25 बड़ी खबरों की। राम मंदिर के लिए देश विदेश से आ रहे उपहार, 2100 किलो का घंटा, 108 फीट लंबी अगरबत्ती, सोने की खड़ाऊ खास। अयोध्या में होटल बुकिंग हुई महंगी, 22 जनवरी तक एक रूम का किराया होगा 1 लाख। आईआईटी कानपुर में एमटेक के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, छात्र के डिप्रेशन में होने की बात आई सामने। अब मैं हूं अटल फिल्म में नजर आएंगे अभिनेता पंकज त्रिपाठी, 19 जनवरी को होगी सिनेमाघरों में रिलीज। बांग्लादेश सरकार ने जारी की नए मंत्रिपरिषद की लिस्ट, शेख हसीना आज पांचवी बार लेंगी पीएम पद की शपथ। पाकिस्तान में दिल दहलाने वाली घटना, एक ही घर से मिले 11 लोगों के शव, पुलिस ने कहा जहरीला खाना खाने से गई जान। राम मंदिर पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने ठुकराया राम मंदिर का निमंत्रण, कहा बीजेपी ये सब वोट पाने के लिए और जनता को लुभाने का कर रही है काम। वही भयंकर शीतलहर की चपेट में दिल्ली एनसीआर, अभी और सर्दी बढ़ने के आसार, तापमान 6 डिग्री के पार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भक्तों में दिखा क्रेज, एक हाथ में राम दरबार, दूसरे में ध्वज, 800 किलोमीटर पैदल चल अयोध्या पहुंचेगा कार सेवक। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी को मिली बड़ी सफलता, आरोपी रवि उप्पल को दुबई से लाया जाएगा भारत। आडवाणी होंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल, मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे थे आडवाणी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में बीजेपी करेगी मंथन, 25 से 18 सीटों पर नए चेहरे उतारने की चर्चा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का वार, कहा बीजेपी के गुलाम है एकनाथ शिंदे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बोली टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी, कहा जब तक जिंदा हूं धर्मों में बंटवारा नहीं होने दूंगी। सोनिया खड़गे के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस सीजनल हिंदू, अपने आप हो जाएगी खत्म। चीन को आड़े हाथों लेते हुए लंदन में गर्ज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा अब कोई आंख दिखाकर नहीं जा सकता है। टी20 वर्ल्ड कप तक बदली टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी, अब सलामी बल्लेबाज के रूप में उतर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली। बेटी की शादी के बाद इमोशनल हुए आमिर खान, आंसू पोंछते हुए आए नजर, पिता को गले लगाकर रो पड़ी आयरा खान, तस्वीरें वायरल। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर WHO ने बताया बड़ा खतरा, पिछले महीने गई 10,000 मरीजों की जान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सरकारी छुट्टी, 22 जनवरी को होने वाली लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा हुई स्थगित। 37वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 से 18 फरवरी तक होगा आयोजन। आर्टिकल 370 को लेकर पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल, 5 जजों की संवैधानिक बेंचों ने दिया था निर्णय। अलाव की चपेट में आया 3 साल का मासूम, सोते वक्त लगी आग, जलकर हुआ राख। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए मामला हुआ दर्ज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर फिर एक्शन, हरियाणा में एनआईए की रेड, अंकित सिरसा व प्रियव्रत फौजी के घर की ली तलाशी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन भारत।